नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका दौरे के अंतिम दिन आज ईरान, मोजाम्बिया, इथियोपिया समेत कई देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने राजकीय रात्रि भोज का किया आयोजन, प्रधानमंत्री समेत विश्व के प्रमुख नेता हुए शामिल। ब्रिक्स नेताओं सहित अन्य नेताओं ने भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाइयों का लगा तांता, देश भर में रहा है जश्न का माहौल। अमेरिका, रूस सहित तमाम देशों ने दी शुभकामनाएं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी की सराहना। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय की बैठक आज से होगी शुरू, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे अध्यक्षता, प्रधानमंत्री देंगे वीडियो संदेश। वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक जारी, बैठक का मकसद नीति निर्धारण में संस्कृति के महत्व पर जोर देते हुए कार्यशील परिणाम पर पहुंचना। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और विश्व के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच आज खेला जाएगा टाई ब्रेकर राउंड, पहले खेले गए दोनों राउंड रहे ड्रॉ। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसमें ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी के साथ बैठक होनी है, साथ ही मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिंटो न्यूसी के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इथियोपिया गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक होगी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री समेत विश्व के प्रमुख नेता शामिल हुए। विश्व के नेताओं ने चंद्रयान 3 के जो मिशन है उसकी कामयाबी पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें UNSC सुधारों के लिए निश्चित समय सीमा तय करने का आह्वान किया गया। साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच स्किल मैपिंग, कौशल और गतिशीलता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा और निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए साथ काम करने पर भी सहमति जताई है। वहीं प्रधानमंत्री का जोहान्सबर्ग के होटल में जो इकट्ठा हुए भारतीय प्रवासी थे उन सदस्यों ने अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाए और उनसे ऑटोग्राफ भी लिया। तो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री से जो भारतीय समुदाय है वो मिला, और देखिए चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़ी तस्वीर भी प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर से अंकित कर रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लोगों में बेताबी देखी गई।
अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए बच्चे महिलाएं एक साथ समूह में खड़े दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोफ ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र G20 और ब्रिक्स जैसे व्यापक द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस के विदेश मंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई है। उन्होंने बताया कि सर्गेई लवरोव के साथ हाल ही के वैश्विक घटनाक्रम पर उपयोगी चर्चा हुई। लवरोव ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए डॉक्टर जयशंकर को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर बधाई दी। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद राष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश में कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये एक ऐसी घटना है जो जीवन काल में एक बार होती है। इस उपलब्धि ने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के साथ वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा पर भारत ने अपना परचम लहरा दिया। देशभर में सफलता को लेकर जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से वर्चुअली इसरो के लैंडिंग कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत की नई ऊर्जा और हमारे लिए गौरव की क्षण है और नए भारत का ऊषा काल है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा सतह पर लैंडिंग के साथ वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश है। और इसी उपलब्धि से जुड़ी इसरो ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरते समय की चांद की सतह की हैं। ये तस्वीरें चांद के दक्षिणी ध्रुव की हैं। इसरो का कहना है कि CH3 लैंडर और MOX स्ट्रैक बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित हो गया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दी। इस मिशन में शामिल सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए ये अविश्वसनीय उपलब्धि है। कमला हैरिस ने कहा कि हमें इस मिशन से और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के साझेदारी करने पर गर्व है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष प्रवक्ता पॉलिना कुबियाक ने भारत को बधाई दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री को बधाई संदेश में पुतिन ने कहा, यह ऐतिहासिक घटना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। 20,000। 10। ओके दोनों? नो नो, 10 का एक। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का और बात करते हैं G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय की बैठक की, जो जयपुर में आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश दिखाया जाएगा। बैठक में विचार विमर्शों में भारतीय अध्यक्षता के तहत वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित होगा। इस बैठक से पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार एवं निवेश कार्य समूह TIWG की बैठकें 21 और 22 अगस्त को जयपुर में आयोजित की गई थी। वहीं वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक हो रही है।
बैठक में G20 देशों के आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस चौथी बैठक में वाराणसी की अगर बात की जाए तो ये 25 अगस्त तक चलनी है। इसका लक्ष्य नीति निर्माण के केंद्र में संस्कृति को रखकर कारगर परिणामों को प्राप्त करना है। 20 सदस्य देशों के अलावा 9 आमंत्रित देश भी बैठक में भाग ले रहे हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और विश्व के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया फीडे विश्व कप के फाइनल का दूसरा मुकाबला भी बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने 30 चालों के बाद ड्रॉ पर सहमति जताई। बृहस्पतिवार को टाईब्रेकर राउंड में विश्व विजेता का फैसला होना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल स्पर्धा में शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय आज क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अंतिम 16 में प्रणॉय का सामना सिंगापुर के लो किन यू से है। वहीं प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य सेन का सामना थाईलैंड के कुल्लावत विति दर्शन से होगा। भारतीय स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 16 में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से। महिला युगल के दूसरे दौर में चीनी ताइपे जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज अंतिम 16 में चीनी जोड़ी से भिड़ेगी। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।